हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य के दो पड़ोसी जिलों बालाघाट और मंडला जिले का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। बालाघाट जिले का गठन भंडारा, मंडला और सिवनी जिलों के हिस्से के सम्मेलन के दौरान सन 1867 में किया गया था। मंडला जिला मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग की ओर स्थित है। मंडला जिले का गठन सन 1851 में किया गया था। बालाघाट जिले का नाम यहाँ पड़ने वाले बारह घाटों से लिया गया है। इस जिले को पहले बुहा या बुढ़ा कहा जाता था, हालांकि यह नाम दुरुपयोग में गिर गया और इसे बालाघाट द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया। मंडला जिले के नामकरण के बारे में ऐसा माना जाता है कि मंडला जिले का नाम राजे संग्राम सिंह मंडावी के नाम पर रखा गया है। बालाघाट जिले की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव जिला, पश्चिम में सिवनी जिला, उत्तर में मंडला जिला और दक्षिण में महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले से घिरा हुआ है। मंडला जिला के उत्तर पूर्व में डिंडोरी जिला, पूर्व में छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला, दक्षिण में बालाघाट जिला, पश्चिम में सिवनी जिला और पश्चिम से उत्तर में जबलपुर जिला स्थित है। बालाघाट जिले की 10 तहसील है। बालाघाट खुद, परसवाड़ा, बैयर, लांजी, किरनापुर, खैरलांजी, वारासिवनी, लालबर्रा, कटंगी और तिरोड़ी। मंडला जिले की 6 तहसील है। मंडला खुद, नारायणगंज, निवास, घुघरी, बिछिया और नैनपुर। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दोनों ही जिलों से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट की। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है भारत में मैंगनीज उत्पादन का 44% मैंगनीज अकेले बालाघाट जिले की भरवेली माइन से आता है। फ्रेंड्स, यह मैंगनीज प्लांट पूरे एशिया का सबसे बड़ा फेरोमैंगनीज प्लांट है। इसी कारण बालाघाट जिला मैंगनीज नगरी नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट धान उत्पादन में अग्रणी जिला है, इसलिए इस जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 1021। फ्रेंड्स, मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह राज्य का पहला बाघ परियोजना में शामिल नेशनल पार्क है। यह राज्य के दो जिलों मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, मंडला जिला नर्मदा नदी से घिरा हुआ है तथा इसे नदियों का द्वीप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के हिसाब से मंडला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है तथा यह मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, 1009। फ्रेंड्स, बालाघाट जिले का टोटल एरिया 9245 वर्ग किलोमीटर है। मंडला जिले का टोटल एरिया 8771 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार बालाघाट जिले की कुल जनसंख्या 17 लाख से भी अधिक है, जबकि मंडला जिले की कुल जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। बालाघाट जिले का लिंगानुपात 1021 है। मंडला जिले का लिंगानुपात 1009 है। बालाघाट जिले की साक्षरता दर 78.29% है। मंडला जिले की साक्षरता दर 67% है। फ्रेंड्स, बालाघाट जिले में हिंदू 89.29%, बौद्ध 4.24%, मुस्लिम 2.26%, ईसाई 0.31%, जैन 0.28% और सिख 0.06%, बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। फ्रेंड्स, मंडला जिले में हिंदू 80.58%, मुस्लिम 1.57%, ईसाई 1.18%, सिख 0.04% और बौद्ध 0.04%, बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। फ्रेंड्स, बालाघाट जिले से कान्हा नेशनल पार्क, गांगुलपारा वाटरफॉल, लांजी फोर्ट, हट्टा की बावली, राजीव सागर डैम, रमरमा वाटरफॉल, अंबामाई टेम्पल आदि। मंडला जिले से कान्हा नेशनल पार्क, रामनगर फोर्ट, सहस्त्रधारा, राजराजेश्वरी माता मंदिर, सहस्त्रधारा शिव मंदिर, राय भगत की कोठी आदि। फ्रेंड्स, बालाघाट जिले में हिंदी, गोंडी, पोआरी, लोधी, मरारी, मराठी आदि भाषा बोली जाती है। मंडला जिले में हिंदी, अंग्रेजी,
गोंडी आदि भाषा बोली जाती है। फ्रेंड्स, बालाघाट जिले से वैनगंगा, बाघ, बंजर, चेन्नई, तो मंडला जिले से नर्मदा और बंजर। फ्रेंड्स, बालाघाट जिले में धान, गेहूं, सरसों, तुवर, ज्वार, मंडला जिले से धान, गेहूं, तुवर, तिलहन आदि। बालाघाट जिले में गुंजिया, भरता बाटी, ड्रमस्टिक करी आदि। मंडला जिले से कोदो और कुटकी खीर, सिक्ख्या खीर, भरता बाटी आदि। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।